तास आयका संघ इकाई जिला बेमेतरा में जिला संघ इकाई की अध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपर कलेक्टर संजय दीवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए मध्य प्रदेश की तर्ज पर कलेक्टर दर लागू करने, हड़ताल अवधि पर बर्खास्त अवधि का वेतन मांग जल्द से जल्द दिया जाए, सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिका को 3 लाख दिया जाए इत्यादि विभिन्न मांगों से संबंधित मांग का उल्लेख किया। और हमें चाहता कि अन्य राज्य में जिन मिलते महीनी मल्ला वो हम अलग ही दिए जाए। और बजट सत्र चला थे तो हम महीनी मन सबो चाहतन कि ये बजट सत्र में हमारे लिए भी कार्यकर्ता महीनी मन के लिए अच्छा कुछ कुछ सबरी दे करके। अब बजट पेश होने वाला है तो हम चाहतन कि हमारे महीनी मल्ला कुछ कुछ सबरी दे और हमारा कलेक्टर दर मान दे देवे। और एक कारण से हुआ है ना, हमारा जो बर्खास्ती बहनी है ना, मन जो हड़ताल में बैठे रहे हैं बोले रही थे कि हम अल्लाह हमारे हड़ताल के मान दे वापस दे जाएगी, लेकिन अभी तक हमारा वो मान दे हमारा वापस नहीं है। तो ये सब मांगे जो है नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया है शासन द्वारा निर्धारित होती है, और क्योंकि आवेदन यहाँ दिया है तो एक कायदा बनता ही है, आवेदन को उनके विभाग प्रमुख को मतलब विचार के लिए भेज दिया जाए। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर उनमें विचार संभव नहीं है, जितनी मांगे सब शासन स्तर से विचाराधीन होती है, इसलिए इनका आवेदन पत्र जो प्राप्त हुआ है वो उनमें उनके विभाग को रायपुर भेज दिया जाएगा।